दोस्तों, अगर हम इंसानों पर कोई मुसीबत आती है तो कोई दूसरा इंसान हमारी मदद कर ही देता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई बेजुबान जानवर किसी मुसीबत में फंस जाए तो वो क्या करेगा, कौन इन जानवरों की मदद करेगा। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही 15 जानवरों को देखेंगे जिन्होंने मुसीबत में फंसने के बाद इंसानों से मदद मांग ली। यकीनन ये वीडियो आपका दिल पिघला देगी। दोस्तों, इस वीडियो में एक कैंगरू एक नहर में गिर जाता है और वो वहाँ बुरी तरह से फंस जाता है। तभी कुछ लोग बोट में बैठकर उसके पास जाते हैं। कैंगरू बजाय बोट से डरकर भागने के खुद उनके पास आ जाता है, मानो वो खुद इंसानों से मदद मांग रहा हो। वो लोग इसे नहर से निकालकर इसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसे जंगल में छोड़ देते हैं। मगर कैंगरू बजाय जंगल में जाने के वहाँ खड़ा अपने बचाने वाले मोहसिन को देख रहा होता है। वो काफी देर तक यूं ही खड़ा रहता है, मानो वो अपने बचाने वालों का शुक्रिया अदा कर रहा हो, और फिर जंगल की तरफ भाग जाता है। दोस्तों, इस अगली वीडियो में एक फीमेल कोआला ट्रेन की पटरी पर कुछ लोगों को मुर्दा हालत में मिली, मगर लोगों ने महसूस किया कि इसके पेट में अभी भी हरकत हो रही है। तब उन्होंने उसके पाउच से 3 मंथ ओल्ड बेबी को रेस्क्यू किया। इस बेबी कोआला ने अगरचे अपनी माँ को खो दिया था, मगर उस दिन इसने चंद बहुत अच्छे दोस्त भी पा लिए थे। दोस्तों, ये वीडियो इंडिया की है, जहाँ एक बंदर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से लगभग मरने ही वाला था कि इस आदमी की नजर इस पर पड़ गई। इसने इस बंदर का हार्ट मसाज किया ताकि इसकी धड़कन वापस आ सके। जब इससे भी कुछ ना बना तो इसने इसे अपने मुंह से सांसें भी दी और बिलाखिर बंदर की सांसें वापस लौट आईं। इस वक्त इस शख्स की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, और इस जैसे शख्स ही तो रियल लाइफ में रियल हीरो होते हैं। इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, ये वीडियो रशिया की है, जहाँ एक समुद्री तूफान के बाद एक डक बर्फ में बुरी तरह से जम गई थी। तभी एक फैमिली ने अचानक इसे देखा। बेचारी पता नहीं कब से बर्फ में जमी हुई थी, मगर कुछ किस्मती से वो अभी भी जिंदा थी। उस फैमिली को बर्फ तोड़ने के लिए जब कुछ ना मिला तो उन्होंने एक छोटे से पत्थर से बर्फ तोड़ना शुरू कर दी। काफी टाइम बाद जब वो डक के इर्द गिर्द के बर्फ तोड़ने में कामयाब हुए तो उन्होंने डक को पकड़कर समंदर में छोड़ दिया, जहाँ इस डक को अपनी लाइफ दोबारा मिलने की खुशी को आप खुद भी देख सकते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक सांप गलती से कुएं में गिर गया था और इसका कुएं से निकलना इम्पॉसिबल था, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि गांव के लोग इसकी मदद करने आ गए थे। उन्होंने एक शख्स को रस्सी बांधकर कुएं में भेजा ताकि वो सांप को कुएं से बाहर ला सके। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे इस शख्स ने अपनी जान पर खेलकर इस सांप को बचा लिया। हैरानगी की बात यह है कि जब ये लड़का सांप को रेस्क्यू कर रहा था तो सांप ने भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अगली वीडियो में जब दो लोगों ने पानी में किसी बर्ड को तैरते देखा तो उन्हें मामूली बात लगी, मगर गौर करने पर उन्हें पता चला कि ये तो कौवा है और कौवे पानी में तैरा नहीं करते। तभी वो फौरन उसके पास गए, चप्पू की मदद से कौवे को कश्ती में लाए। कौवा बुरी तरह से कपकपा रहा था, वो फौरन उसे घर ले गए, उसे धूप में रखा, उसे खाने के लिए ब्रेड दी। काफी देर बाद जब कौवे की हालत बेहतर हुई तो वो वहाँ से उड़ गया। अगर ये लोग इसे वक्त पर ना रेस्क्यू करते तो शायद ये सर्दी या फिर किसी समुद्री जानवर की वजह से मर जाता। इन्हीं लोगों की वजह से ही तो आज इंसानियत जिंदा है। इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ऊंट गर्म इलाकों में रह सकते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। इस ट्रक ड्राइवर ने रास्ते के किनारे पड़ा एक ऊंट देखा जो प्यास से निढाल था और बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहा था। ड्राइवर समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने फौरन उसे अपनी बोतल से पानी पिलाया। ये ऊंट इसी उम्मीद से सड़क के किनारे आ गया था कि शायद कोई इंसान इसे देख ले और इसकी मदद को आ जाए, और ये ट्रक ड्राइवर इसकी उम्मीद पर पूरा उतरा। इसने इसे तब तक पानी पिलाया जब तक इस ऊंट की हालत बेहतर ना हो गई थी। इस वीडियो में ये ईगल बर्फ में बुरी तरह से फंस गया था। टेम्परेचर इतना कम था कि इसके पांव और निचले हिस्से पर बर्फ जम गई थी, जिसकी वजह से वो उड़ भी नहीं पा रहा था। ये तो इस ईगल की किस्मत अच्छी थी कि चंद लोगों की नजर इस पर पड़ गई। उन्होंने इसे रेस्क्यू किया, इसे इंक्यूबेटर में रखा जब तक इसके पांव पर जमी बर्फ ना पिघल गई, फिर इसे खाना दिया और कुछ ही देर बाद ये ईगल बिल्कुल ठीक हो गया और उड़ने के काबिल भी हो गया। अगली वीडियो में ये जो गंदगी से भरा हुआ इंसान आप देख रहे हैं, ये हमारी दुनिया का एक असल हीरो है, जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस मड में बुरी तरह से फंसे हुए इस ईगल को बचाया। ईगल को शावर दिया, फिर इसे टावल में लपेटा और इसके ठीक होने पर इसे आजाद कर दिया। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि परिंदे ऐसे जगहों में फंस जाते हैं जहाँ से इनका निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है, और वो बेचारे वहीं पर मर जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ से निकालने वाला कोई नहीं होता। ये जो बर्ड आप देख रहे हैं, ये भी एक ग्रोसरी स्टोर की बैक विंडो में बुरी तरह से फंस गया था और इसके बाहर निकलने के कोई चांसेस भी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी
केस एक लड़के ने देख लिया था। उसने शॉपकीपर से परमिशन ली ताकि वो परिंदे को रेस्क्यू कर सके। इसके बाद इसने खिड़की की बैक साइड पर जाकर खिड़की के पीछे लगे वुडन बॉक्सेस को खोला और बर्ड को बाहर निकाला। बर्ड बुरी तरह से डरा हुआ था। इस लड़के ने उसे पकड़ा और बाहर लाकर आजाद कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में एक मछली पकड़ने वाली हुक एक सीगल के मुंह में फंस जाती है। हुक के साथ फिशिंग नेट होने की वजह से ये सीगल इस लकड़ी के साथ अटक जाता है, जहां से इसके बचने के चांसेस ना होने के बराबर थे। तभी इन दो लोगों ने सीगल को यूं मुश्किल में फंसे देखकर उसको लकड़ी से उतारा और उसके मुंह में बुरी तरह से फंसी हुक को निकाला, इसका जरूरी ट्रीटमेंट किया और इसे वापस पानी में छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद ये सीगल सही से वहां से उड़ गया। इस वीडियो में ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसने अपनी 21st बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए स्नोबोर्डिंग करने का प्लान बनाया। ये अपनी वीडियो बना रहा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि इसे बर्फ में क्या चीज मिलने वाली है। अचानक स्केटिंग के दौरान इसकी नजर एक घोड़े पर पड़ी, जिसकी टांगे गहरी बर्फ में फंसी हुई थी और इसकी आंखें मदद के लिए किसी को ढूंढ रही थी। ये घोड़ा गलती से इस गहरी बर्फ में फंस गया था। इस लड़के को और तो कुछ नहीं मिला, इसने अपनी सेल्फी स्टिक से बर्फ खोदना शुरू कर दी ताकि घोड़े के लिए रास्ता बना सके। घोड़े की टांगों के गिर्द की बर्फ हटाई और उसे रस्सी से बांधकर अपने साथ गहरी बर्फ से बाहर ले आया। इस वीडियो में एक बहुत बड़ी शार्क समुद्री लहर के साथ बहकर किनारे पर आ गई थी, जहां से वो खुद से वापस समंदर में नहीं जा सकती थी। तभी बीच पर मौजूद लोगों ने मिलकर बीच की रेत पर रास्ता बनाया। कुछ ने बाल्टियों से पानी भर भर कर शार्क पर डाला ताकि वो जिंदा रहे और सैकड़ों लोगों ने मिलकर रस्सी की मदद से शार्क को खींच कर समंदर में लाए और यूं उन्होंने मिलकर शार्क की जान बचाई। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें दो डियर्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। अचानक इनके सींग लड़ने की वजह से आपस में फंस जाते हैं। ये बहुत कोशिश करते हैं अपने सींग एक दूसरे से छुड़वाने की, मगर इसमें हर बार नाकाम हो जाते हैं। तभी दो लोगों ने इन दोनों को यूं फंसे देखा तो बड़ी मुश्किल से इनके सींग अलग करवाए। जैसे ही ये दोनों आजाद हुए तो ये इतने डर गए थे कि एक वहां से भाग गया जबकि दूसरा उसी जगह लेटा रहा। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक बेबी शार्क लहरों के साथ बहकर पत्थरों में फंस जाती है और वो वहां से वापस नहीं जा पाती। तभी कुछ लड़कों की नजर इस पर पड़ती है तो वो लाइफ गार्ड्स को बुला लाते हैं, जो इस शार्क को सर्फिंग बोर्ड पर डालकर पानी में छोड़ आते हैं और यूं उसकी जान बच जाती है। दोस्तों, ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 3 भी बने तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 3 लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल इलम के मोती सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।